ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मनुष्य में भी पशु और पक्षियों के गुण होते हैं। आप पूछेंगे कैसे? शास्त्र मानते हैं कि आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों का प्रवृत्ति विद्यमान है। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन से ज्यादा साड़ी होने के कारण उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वो अपने मन के अधीन रहता है। आदमी में कुत्ता प्रवृत्ति होती है तो गाय प्रवृत्ति भी, उसमें शेरपन है तो गीदर की तरह डरपोक भी है। वो गिद्ध और कौवे की तरह चतुर और झपट्टा मारने की कला भी जानता है तो मुर्गी की तरह जल्दी उठना और उल्लू की तरह रात भर जागते रहना भी जानता है। वो मोर की तरह नाचना और झूमना भी जानता है तो हाथी की तरह शांति से रहना भी जानता है। कहना चाहिए कि आदमी ही सब कुछ है। अभी समझने वाली बात यह है कि किस आदमी में कौन सी प्रवृत्ति प्रधान रूप से विद्यमान है या उसका पूरा जीवन किस तरह के पशु चरित्र में व्यतीत होता है। आदमी के इसी तरह के मनोविज्ञान के चलते तंत्र विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान ने कुछ विभाजन करके उक्त तरह के मनुष्यों के चरित्र को समझकर उनके भूत और भविष्य को उजागर किया है। सामुदायिक पद्धति या कला को दक्षिण भारत में अस्मुद्रिका लक्ष्मण कहा जाता है। ज्योतिषी इसी के माध्यम से लोगों के चेहरे को पढ़ते हैं, उनका भाग्य बताते हैं। इस विद्या के जानकार दक्षिण भारत और राजस्थान में सबसे ज्यादा है। हम सैकड़ों लोगों से मिलते हैं और हजारों अनजान चेहरे हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं। इनमें से कुछ सुंदर होते हैं तो कुछ थोड़े बद्दे, कुछ का आकार गोल होता है तो कुछ का त्रिकोण के समान। गौर से देखेंगे, जब आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा चेहरा किस पशु या पक्षी से मिलता जुलता है और उनमें उस पशु या पक्षी के गुण होते हैं। तंत्र जहां 12 से 13 तरह के व्यक्ति के चरित्र मानकर उनके लिए अलग अलग ध्यान विधियां बताता है, तो दक्षिण भारतीय ज्योतिष के अंग सामुद्रिक विज्ञान और पंच पक्षी का सिद्धांत प्रसिद्ध है। यहां यह उल्लेखनीय है कि चीनी वर्ष के 12 माहों के नाम पशु और पक्षियों के नाम पर ही है। हम किसी भी शख्स का चेहरा पढ़कर पता लगा सकते हैं कि उसका चरित्र कैसा है। हमने इस पर बहुत सारे वीडियो डाले भी हैं, और कैसा व्यवहार करता और उसका भविष्य क्या होगा। तो इस विज्ञान के अनुसार या फिर जो लोग इसके जानकार हैं वो कहते हैं कि चेहरा पढ़कर और यह बताया जा सकता है कि वो कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका भविष्य क्या होगा। कभी आईने में देखें अपना चेहरा और फिर अपनी प्रवृत्तियों पर गौर करें। अब इसमें पंच पक्षी सिद्धांत है। तो पंच पक्षी सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अंतर्गत समय को 5 भागों में बांटा गया है। समय का विभाजन पक्षी के रूप में किया गया है। जब हम कोई कार्य करते हैं उस समय जिस पक्षी की स्थिति होती है उसी के अनुरूप हमें फल मिलता है। ज्योतिष का सिद्धांत पंच पक्षी के नाम से जाना जाता है। कुछ जो ज्योतिषाचार्य हैं उनके अनुसार आदमी में उक्त तरह की प्रवृत्ति सादृढ़ हो जाती है। पंच पक्षी सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले 5 पक्षी के नाम हैं गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा और मोर। इन 5 पक्षियों के लिए बराबर समय निर्धारित किया गया है। समय निर्धारण में हर एक पक्षी का काल 2 घंटा 24 मिनट का होता है। पूरे दिन में 5 पक्षियों का समय बारी बारी से आता है। रात के समय भी पक्षियों का इसी प्रकार चलता है। आपके लग्न नक्षत्र जन्म स्थान के आधार पर आपका पक्षी ज्ञात किया जाता है। ज्योतिषाचार्य अनुसार ग्रहों की गति और चंद्रमा की कला, जो सूर्य से इसकी निकटता और दूरी पर निर्भर करती है, इनकी भूपा में मौजूद 12 राशियों और 27 नक्षत्रों पर प्रभाव होता है, जिनमें हर एक व्यक्ति पर एक ही समय पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा अपने पांव में जैसे जैसे बढ़ता है और घटता है उसी पे 5 प्रकार के अलग अलग प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति इस धरती पर पैदा होता है
उस पर सभी नौ ग्रहों का प्रभाव जीवन पर्यंत बना रहता है। इन ग्रहों के गुण और चरित्र का भी हम पर अचेतन रूप से प्रभाव बना रहता है। हम अगर इस तथ्य को समझ लें कि ग्रह नक्षत्र और राशियों के सहयोग से हम पर किसका प्रभाव बन रहा है तो अपने कार्य में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पंच पक्षी का आधारभूत सिद्धांत यही है कि जब सभी प्रभावकारी तत्व अपने उच्च अवस्था में होते हैं उस समय अगर हम अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ें तो कामयाबी का सहरा सर पर होगा। हालांकि सामुद्रिक विज्ञान और पंच पक्षी के सिद्धांत के और भी कई विस्तृत पहलू हैं जिन्हें अच्छे से जानकर और पढ़कर जाना जा सकता है कि सच में ही आदमी एक अजायब घर है और कब कौन सा जानवर उसके भीतर से जागृत होकर हरकत में आ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट लिखिए। धन्यवाद।